हेलो गाइस नवी क्लासेस में आपका स्वागत है आज डिस्कस करेंगे यूनिट ट्वेंटी फाइव जो की है क्वेश्चन नंबर वन क्या है द प्राइमरी थर्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज ऑन द इसमें आपको बताना है कि मानव अधिकारों का प्राथमिक जोर जो है वो किस पर है ऑप्शन ए है आपके पास

लाइफ विद फ्रीडम एंड इक्विप्ड विद रिसोर्स कि ऐसी जिंदगी जो स्वतंत्रता और संसाधनों से भरपूर हो या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब उपरोक्त सभी तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब आर करेक्ट कि ह्यूमन राइट्स जो है मानवाधिकार जो है वो हर चीज पर जोर देते हैं समाज के सशक्तिकरण पर भी और हमारा जो जीवन है वो फ्रीडम हो उसमें डिग्निटी की हम लाइफ जिए और जो हमारा जीवन है उसमें संसाधनों की कोई कमी ना हो तो आपको इसका याद रखना है कि all of the above are correct options. और ये मत सोचिए कि इतनी लंबी स्टेटमेंट है क्योंकि आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए जो भी टेक्स्ट uh, मटेरियल दिया गया है उसमें से एज इट इज इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पेपर में आती हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द आइडिया ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी टुडे इंक्लूड्स। इसमें आपको बताना है कि मानव सुरक्षा के विचार में क्या शामिल है ऑप्शन ए है द आइडियाज ऑफ लोकल सिक्योरिटी ओनली केवल स्थानीय सुरक्षा के विचार ऑप्शन बी इज द आइडियाज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ओनली केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार ऑप्शन सी इज द आइडियाज ऑफ सोशल सिक्योरिटी ओनली यानी कि केवल सामाजिक सुरक्षा के विचार या ऑप्शन डी आइडियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स

अपने लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करती करने का एक साधन है ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबाउ तो आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा भी तो आपको पता है कि ये ऑल्ड ऑफ द अब इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्योंकि सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो ह्यूमन सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल सही हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर जो है वो इकोनॉमिक हेल्थ और इन्वायरमेंटल कंसर्न पर जोर मतलब सब चीजें इसमें कंसर्न है और जो एच टी आर थी ह्यूमन डेवेलपमेंट रिपोर्ट उसमें सबसे पहले 1994 की जो रिपोर्ट थी ह्यूमन सिक्योरिटी का जिक्र हुआ और ये जो है इसका मेन मोटिव क्या है ह्यूमन सिक्योरिटी का कि जो भी पीपल हैं किसी स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उन सबको उनके राइट्स को ह्यूमन राइट्स को सिक्योर रखा जाए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग अमरते सेंस कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट इसमें आपको बताना है कि अमर्त्य सेन के विकास के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है या कौन से कथन जो है वो सही है ऑप्शन लाइफ कलेक्शन विच आर टूगेदर कॉल्ड फंक्शनिंग कि यह है जो है मानव जीवन को कार्य और जो उसकी बिकमिंग्स है उनकी दो दो संग्रह के रूप में उसको देखता है जिसे कलेक्टिवली हम फंक्शनिंग यानी कार्य कहते हैं डूइंग और बिकमिंग्स

तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आर करेक्ट कि जो कैपेबिलिटी अप्रोच है इसमें किस किस चीज पर जोर दिया गया है फंक्शनिंग पर इसमें जोर दिया गया है किसी भी पर्सन की स्वतंत्रता का जिक्र इसमें किया गया है कि हम चाहे जिस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं और इट सीज डेवलपमेंट एज द एक्सपेंशन ऑफ पीपल्स कैपेबिलिटी कि यह जो विकास होगा हमारा वो हमारी क्षमताओं के आधार पर होगा

वो जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है ऑप्शन बी कहता है कि ह्यूमन राइट्स आर राइट फ्रॉम नोशन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो मानव अधिकार जो है मानवाधिकार नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणाओं से लिया गया है ऑप्शन सी कहता है कि डेवलपमेंट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीपल्स कैपेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इन फ्रीडम ऑफ चॉइस टू द लाइफ कि विकास लोगों की क्षमताओं और अवसरों का विस्तार होता है और उनके द्वारा जीवन की पसंद की स्वतंत्रता में ये वृद्धि करता है ऑप्शन डी कहता है कि देखिए ट्रू तो, तो तीनों ही स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट जो है वो किससे कंसर्न होती है विकास क्या होता है कि आपकी जीवन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो आपका स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो वो विकास होता है ऑप्शन बी जो था वो भी ट्रू था कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं वो सिविल लिबर्टीज और इंडिविजुअल फ्रीडम इंश्योर करते हैं और ऑप्शन सी जो था देखिए इसके कंटेस्ट में क्वेश्चन क्या था कि आपको रिलेशन बताना था तो ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स में जो रिलेशन है वो है आपका ऑप्शन सी कि आ, इसमें दोनों ही चीजों को आपकी शामिल किया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट किस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड है ऑप्शन ए और बी ट्रू थे लेकिन उनमें इनका रिलेशन शो नहीं होता है तो आपका ऑप्शन सी जो है वो इसका स्टेबल ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स कंडीशन और स्टेट ऑफ बेनिफिटिंग एंड इंडिविजुअल और कम्युनिटी इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या समुदाय को लाभ पहुंचाने की स्थिति को दर्शाता है ऑप्शन ए इज कैपेबिलिटी यानी क्षमता ऑप्शन बी इज डेवलपमेंट यानी विकास ऑप्शन सी इज एंटाइटलमेंट एंड ऑप्शन डी इज सिक्योरिटी यानी सुरक्षा तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी एंटाइटलमेंट एंटाइटलमेंट जो होता है वो एक कंडीशन होती है जो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्तियों का जो ग्रुप है कम्युनिटी जो है समुदाय जो है उसको लाभ पहुंचाने की स्थिति को दर्शाता है तो इसको बोलते हैं एंटाइटलमेंट एंटाइटलमेंट और entitlement का जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था अमृत्य सेन ने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एक्सपेस्ट इन नेचर एंड डील्स विद इंक्रीजिंग सोशल सर्विसेज अलोंग विद इकोनॉमिक जो जो में, में विस्तारवादी है और अवसरों को बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास के साथ बढ़ती सामाजिक सेवाओं से संबंधित है ऑप्शन एज ह्यूमन डिवेलपमेंट मानव विकास ऑप्शन बीज ह्यूमन सिक्योरिटी यानी मानव सुरक्षा ऑप्शन सी नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा या ऑप्शन डी नेशनल डेवलपमेंट राष्ट्रीय विकास तो इसका सही जवाब जो है वो है वो इसका आपका मानव विकास यानी कि ऑप्शन मानव विकास जो है वो विस्तारवादी होता है और अवसरों को बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास के साथ बढ़ती हुई सामाजिक सेवाओं से ये रिलेटेड होता है क्वेश्चन नंबर एट इज विच ऑफ द फॉलोइंग

अप्रोच मानव विकास दृष्टिकोण ऑप्शन बी एच डी आई डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एच डी आई का डेवलपमेंट या सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी की बोथ ए एंड बी आर करेक्ट कि जो सबसे मेजर स्टेप था वो था ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच और एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेवलपमेंट ये सबसे मेजर स्टेप था विकास को दोबारा से बढ़ावा देने के लिए मतलब कि इसमें न केवल हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बट लोगों की जो लाइफ है लाइफ स्टाइल जो है उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड जो है उसको इंप्रूव करने के लिए ये मेजर स्टेप था क्वेश्चन नंबर नाइन इज गिव द फुल इसमें आपको बताना है कि एफ की फुल फॉर्म क्या होगी चार विकल्प है फूड एसोसिएशन ऑर्गेन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन या फूड एंड एक्नोलेजेनाइजेशन इसका जवाबनाइजेशन तो जो की आपका विकल्प बी था और मैं आपको बता दू की जो ये है एफ एओ इसको हिंदी में देखो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये जो है एफ यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है और इसकी स्थापना जो हुई थी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के अंदर है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन है इज और आर वेरी इन प्रोमोटिंग ह्यूमन सिक्योरिटी इसमें आपको बताना है कि मानव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है ऑप्शन इज डेमोक्रेसी ऑप्शन बी इज़ गुड गवर्नेंस ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ दीज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज कि डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस, कि लोकतंत्र और सुशासन जो है वो दोनों ही मानव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन इज वेन वॉज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडोप्टेड इसमें आपको बताना है कि मानवाधिकारों को घोषणा जो थी मानव अधिकारों की उसको कब अपनाया गया तो इसमें आपको डेट बतानी है ईयर बताना है एग्जैक्टली तो चार विकल्प सही चूज करना है इसमें से तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी दस दिसंबर उन्नीस सौ अड़तालीस टेंथ ऑफ दिसंबर 1948, 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एडॉप्ट किया गया था और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो थी जो जिसको 1948 में अडॉप्ट किया गया ये क्या स्टेट करती है क्या इसमें व्याख्या की गई है कि एवरी वन हैज द राइट टू वो लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको अधिकार है जीवन का स्वतंत्रता का और सुरक्षा का ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज डैश इज द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल हाउस होल्ड मेंबर दैट इज अल्टीमेट फोकस एंड रिस्क ऑफ दैट एडिक्वेट स्टेटस नॉट बींग अचीव और बींग अंडर बताती हूँ मैं इसको समझाती हूँ थोड़ी सी टिपिकल स्टेटमेंट है कि आपको बताना है कि इनमें से जो टर्म्स दी गई हैं ए बी सी डी ह्यूमन सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी या फिर मॉरल सिक्योरिटी इनमें से कौन सी जो टर्म है वो व्यक्तिगत घर के सदस्य की पोषण स्थिति है जो अंतिम ध्यान है और उस स्थिति के जोखिम को हासिल नहीं किया जा रहा है या फिर कम किया जा रहा है तो उसको क्या बोलोगे उसको किस प्रकार के आप सुरक्षा का नाम दोगी तो वो है आपका ऑप्शन बी फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड मेंबर का आप न्यूट्रिशनल स्टेटस आप चेक करेंगे कि किस चीज पे आप उस पे फोकस करेंगे उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे और फिर आप ये बताएंगे कि उसको पर्याप्त जो स्थिति है वो उसकी कैसी है मतलब पर्याप्त है या नहीं है तो फूड सिक्योरिटी टर्म ये इंश्योर करेगी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज फूड सिक्योरिटी मीन्स कि खाद्य सुरक्षा का जो सही अर्थ है वो क्या है ऑप्शन ए है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड ऑप्शन बी है प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ फूड भोजन के मूल्य की स्थिरता या ऑप्शन सी इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भोजन की उपलब्धता या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो देखिए फूड सिक्योरिटी जो है वो उसका मतलब क्या होता है फूड आपको इजीली एक्सेसिबल हो उसकी प्राइस की स्टेबिलिटी हो और इजीली वो अवेलेबल हो

किस आर्टिकल के अनुसार व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है साथ में जीवन और स्वतंत्रता का भी अधिकार है आपको चार आर्टिकल्स दिए हैं आर्टिकल आपको बताना है कि कौन सा जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद है वो सही है जो इस जिसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है वन थ्री फोर या फाइव तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन बी आर्टिकल थ्री आर्टिकल थ्री में जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल थ्री में राइट ऑफ सिक्योरिटी जो है उसको राइट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पर्सन जो है इसको फंडामेंटल ह्यूमन राइट बताया गया है और ये भी बोला गया है कि इसमें व्यक्ति की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा के अलावा जीवन उस और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो शामिल है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यू एन डी पीज कंसेन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी वोज कि इसमें आपको बताना है कि मानव सुरक्षा के लिए UNDP के अवधारणा का मुख्य योगदान था ऑप्शन ए है फोकसिंग ऑन पीपल एंड एमफेसाइजिंग दैट इट हैज ज्योग्राफिकल एंड इंटरनेशनल डाइमेंशंस कि लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और जोर दे रहा है कि इसके भौगोलिक और अंतरराष्ट्रीय आयाम है ऑप्शन बी इज हाईलाइटिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी टू थ्रेट्स अदर देनViolence हिंसा के अलावा अन्य खतरों के प्रति जो है ये थ्री को वलनेबिलिटी को ये उजागर करता है ऑप्शन सी इट सो सिक्योरिटी एज एन इंटीग्रेटिव कॉन्सेप्ट रक्षा को रक्षात्मक रख, अवधारणा के रूप में देखता है बजाय कि इसको अ, मतलब इसको इंटीग्रेटिव यानी एकीकृत भाव में देखता है रक्षात्मक अवधारणा की बजाय ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव राइट तो सही जो जवाब है वो इसका ऑप्शन डी ही है कि इफ यू यूएनडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है कि ये ह्यूमन सिक्योरिटी का जो कांसेप्ट है ना वो इंटीग्रेटिव है वो एकीकृत है रक्षात्मक अवधारणा इसमें शामिल नहीं है और uh, हाई ये सारी उन थ्रेट्स को वॉयलेंस को छोड़ के और सारी जो थ्रेट्स हैं उन सबको उजागर करता है और ये फोकस करता है पीपल पर लोगों पर ये फोकस करता है कि उनकी भौगोलिक और अंतरिक्ष जो अंतरराष्ट्रीय आयाम है जो डायमेंशन हैं उन पर भी ये फोकस करता है तो ऑप्शन डी जो है इसका ऑल ऑफ विल बी करेक्ट आंसर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ

प्रकाशित होती है इसके द्वारा और इसके अंदर आपको ये भी एक और चीज भी मैं बता देती हूँ कि शायद पूछा ना जाए लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी 1990 में हुई थी फर्स्ट टाइम लॉन्च और इसको पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मिलकर इसे पब्लिश किया था मतलब इसको लॉन्च करने में इन दोनों का हाथ था महबूब उल हक एंड अः सेन इन दोनों का इसमें योगदान रहा क्वेश्चन नंबर इज इज क्राइटेरिया टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इसमें आपको बताना है कि किसी भी कोई भी जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट को मापने के लिए यू जो है वो कौन सा क्राइटेरिया अपनाता है ऑप्शन ए है पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम वो देखता है ऑप्शन बी एजुकेशन लेवल देखता है ऑप्शन सी हेल्थ स्टेटस देखता है या ये सब तो इसका ऑप्शन डी जो है वो ऑल uh, ऑफ वो करेक्ट है कि यूएनडीपी जो है ये सारे मापदंड के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार करती है तो ये क्राइटेरिया जो है वो इसमें इंक्लूडेड होती है एवरेज इनकम एजुकेशन लेवल और स्टेटस जो लास्ट यूनिट है सॉरी uh, जो लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ये है फूड सिक्योरिटी इज अचीव्ड व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड दैट मीट्स देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ देखिए आपको बताना है कि जो ये परिभाषा है फूड सिक्योरिटी की कि फूड सिक्योरिटी जो है खाद्य सुरक्षा जो है इसको तभी अचीव किया जा सकता है जब सभी लोगों को ट डाइट मिले सुरक्षित डाइट मिले और जो, जो उनकी एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए जो महत्वपूर्ण हो उनको सारी वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिले सब उस, उनको उनके डाइट में वो सारी चीजें शामिल हों जो उनके लिए जरूरी है ये डेफिनेशन जो है ये किस समिट में या कब ये अडॉप्ट की गई ऑप्शन ए इज 1974 वर्ल्ड समिट ऑप्शन बी इज 1983 FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेटमेंट थी ऑप्शन सी इज 1996 वर्ल्ड फूड समिट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो सही जवाब जो है वो है इसका 1996 वर्ड 1996 का जो वर्ल्ड फूड समिट था उसने इस परिभाषा को अपनाया कि फूड सिक्योरिटी तभी अचीव होगी जब हर व्यक्ति को हर समय पर उसकी जो डाइटरी नीड्स हैं जो फूड प्रेफरेंसेस हैं जो उसके अच्छे जीवन यापन के लिए जरूरी है और उसको सुरक्षित रख सकती है वो उसको सब मिले तो होप सो कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा क्योंकि इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए काफी मेहनत लगी है तो आप एक लाइक जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए